सो ही दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंट्री लेवल स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको 8000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हम टॉप 5 फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, और ये सभी स्मार्टफोन्स अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में आता है। जैसे कि आप प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे, और वहीं आपको बिग बैटरी के साथ साथ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, और आपको बिग डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो आपका बजट अगर 8000 के प्राइसिंग के आसपास है और एक बेस्ट स्मार्टफोन आप बाय करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और साथ ही दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक बोनस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आप कमाल की गेमिंग कर पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme C12 स्मार्टफोन के बारे में। यहाँ पे हमें मिलता है 6.5 इंच का एक HD+ का IPS डिस्प्ले। तो डिस्प्ले आपको प्राइस के अकॉर्डिंग HD+ ही देखने को मिलेगा, और वहीं आपको रियर साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और आपको रियर साइड की ओर जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेन सेंसर 13 MP का मिलता है। इसके अलावा आपको 2 MP का पोर्ट्रेट एंड आपको 2 MP का मैक्रोलेंस देखने को मिलेगा। साथ ही आपको फ्रंट में जो है 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें तो ये डिवाइस जो है 6000 mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग एंड डेली यूजेस के लिए हीलियो G35 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 12 nm की टेक्नोलॉजी बिल्ड है। तो आपको प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगा। साथ ही स्मार्टफोन 3G+ 32 GB स्टोरेज के साथ में आता है, और अच्छी बात यह है कि आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, और इसका प्राइसिंग आपको 8000 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बिग बैटरी चाहिए और आपको डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इस डिवाइस को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की ओर। तो ये डिवाइस आता है एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन, जो कि हमें देखने को मिलता है माइक्रोमैक्स की तरफ से In1B। यहाँ पर आपको मिलेगा एक HD+ का डिस्प्ले, जो कि 6.52 इंच के साथ में आता है, और यहाँ पर भी आपको IPS LCD पैनल दिया गया है। साथ ही आपको बैक साइड की ओर जो है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलेगा। और कैमरा की बात करें तो ये डिवाइस डुअल लेयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पे आपको मेन सेंसर 13 MP का मिलता है। इसके अलावा आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको फ्रंट में 8 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और कैमरा जैसा कि इस प्राइस रेंज में होता है तो आपको वैसा ही, यानी कि आपको डिसेंट कैमरा देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस आपको 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G35 का चिपसेट दिया गया है। तो आपको परफॉर्मेंस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ही देखने को मिलेगा, यानी कि आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। साथ ही ये स्मार्टफोन जो है प्योर एंड्रॉयड के साथ आता है, यानी कि आपको फालतू के कोई भी ब्लॉटवेयर्स या फिर आपको ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपका यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहने वाला है। और ये डिवाइस आपको 4G+ 64 GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग 8000 है। सो दोस्तों, अगर आपको एक बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, साथ में आपको स्टॉक एंड्रॉयड और वहीं आपको 4G+ 64 GB का स्टोरेज भी चाहिए, तो ये डिवाइस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, वो भी इस प्राइस रेंज में। सो दोस्तों, अब बात करी जाए इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के बारे में। यहाँ पे आपको मिलता है 6.82 इंच का एक बिग साइज का डिस्प्ले, जहाँ पे आपको IPS LCD पैनल दिया गया है। तो डिस्प्ले आपको काफ़ी बिग देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आप कंटेंट काफ़ी अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे। और ये डिवाइस आपको बैक साइड की ओर जो है यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 13+ एंड लो लाइट का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको फ्रंट में जो है 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और इस डिवाइस को पावर देने के लिए 6000 mAh का मैसिव बैटरी मिलेगा। तो बात करिए इसके चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G25 का चिपसेट दिया गया है, जो कि 12 nm की टेक्नोलॉजी बिल्ड है। तो यहाँ पे आपको प्राइस रेंज के हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, आपको डे टू डे टास्क में कोई इशू नहीं होगा, साथ ही आप नॉर्मल गेमिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और ये डिवाइस आपको 2G+ 32 GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग आपको 7200 देखने को मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है। सो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर बिग डिस्प्ले मिलेगा और इसके साथ ही आपको बिग बैटरी भी चाहिए, तो ये डिवाइस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। तो ये डिवाइस आता है मोटो की तरफ से, मोटो E7 पावर। यहाँ पे आपको मिलेगा 6.51 इंच का एक IPS LCD पैनल, और यहाँ पे भी आपको HD+ का रेजोल्यूशन दिया गया है। साथ ही आपको रियर साइड की ओर जो है मोटोरोला ब्रांडिंग के साथ में फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिलेगा। और कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 13+ 2 MP का एक मैक्रोलेंस दिया गया है, यानी कि आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।
साथ ही आपको फ्रंट में मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इसका भी कैमरा आपको प्राइस रेंज के हिसाब से एवरेज देखने को मिल जाएगा। और ये डिवाइस आपको 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको मिलता है टाइप सी का पोर्ट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G25 का चिपसेट दिया गया है जो कि 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में बिल्ड है, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे भी प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट सा देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस जो है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है, तो यहाँ पे भी आपको फालतू के ब्लॉटवेयर्स या फिर आपको ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाता है। और ये डिवाइस आपको 4G+64G बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा जिसका प्राइस आपको फिलहाल जो है 8300 देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर आपको एक मोटोरोला की तरफ से कोई स्मार्टफोन चाहिए और साथ में आपको स्टॉक एंड्रॉयड भी चाहिए तो आप इस डिवाइस को देख सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब बात करते हैं पोको C3 के बारे में, और यहाँ पे आपको मिलता है 6.53 इंच का एक HD+ का IPS डिस्प्ले, और आपको यहाँ पे जो है कोई फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को नहीं मिलता है जो कि इस डिवाइस का जो है सबसे बड़ा डाउनसाइड है। और यहाँ पे आपको 13+2 मेगापिक्सल एंड आपको 2 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, और आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000 mAh का बैटरी मिलेगा। तो बात करिए इसके चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको हीलियो G35 का चिपसेट दिया गया है, और ये डिवाइस आपको 3G+32GB स्टोरेज के साथ में आता है, और इसका प्राइस आपको फिलहाल जो है 7500 देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप इस डिवाइस को सेल वगैरह के टाइम में लेंगे तो ये डिवाइस आपको 7000 या फिर आपको 7200 के आसपास भी देखने को मिल जाता है। सो ही दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक बोनस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको अच्छी वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो ये डिवाइस आता है रियलमी की तरफ से Narzo 30 है, जो कि रिसेंटली इस डिवाइस को रियलमी ने इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको मिलता है 6.51 इंच का एक HD+ का IPS डिस्प्ले, और इसके साथ ही आपको बैक साइड की ओर जो है इंस्टेंट फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलेगा, और आपको जो है डुअल लेयर कैमरा सेटअप दिया गया है जहाँ पे मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है, और आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 6000 mAh का पावरफुल बैटरी यूज़ किया गया है, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको इन द बॉक्स ही देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इस डिवाइस का मेन हाइलाइटेड फीचर के बारे में जो कि इसका परफॉर्मेंस है। मीडियाटेक का हीलियो G85 का एक गेमिंग चिपसेट दिया गया है जो कि 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में बिल्ड है, तो यहाँ पे आपको प्राइस रेंज के हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे मीडियम गेमिंग काफ़ी स्मूथली कर सकते हैं। और ये डिवाइस आपको 3G+32GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा जिसका प्राइसिंग फिलहाल जो है 9000 है। वैसे ये डिवाइस आपको सेल के टाइम में 8500 के प्राइसिंग में भी देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस रेंज में एक गेमिंग फ़ोन चाहिए और साथ में आपको बिग बैटरी भी चाहिए तो ये डिवाइस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो ही दोस्तों, यही था 8000 के प्राइसिंग में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। साथ ही अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इस तरह के कंटेंट डेली देखने को मिल जाएगा। और आपको जो है कौन सा डिवाइस वन ऑफ द बेस्ट लगा आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।